हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मोबाइल नंबर से किसी का भी लाइव लोकेशन कैसे निकालें। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल नंबर से किसी का भी लाइव लोकेशन निकालना बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख कर जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो लास्ट में बताया हूँ वो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। तो पहला मेथड जो है ट्रू कॉलर के थ्रू है। ट्रू कॉलर से कैसे आप मोबाइल नंबर से ही लाइव लोकेशन देख सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहां पर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहां पर आपको लिखना है ट्रू कॉलर और लिख कर सर्च कर लेना है। अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर होगा तो यहाँ अपडेट या ओपन का ऑप्शन आएगा। अगर आपके सिस्टम में ट्रू कॉलर नहीं होगा, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। मेरे सिस्टम में पहले से है और मैं इसे अपडेट नहीं किया हूँ, इसलिए मेरे में यहाँ अपडेट का ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहले अपडेट पर क्लिक करके मैं अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी का भी लाइव लोकेशन निकाल सकते हो। अपडेट या इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ ओपन देखने को मिल जाएगा, सिंपली ओपन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने ट्रू कॉलर को डायलर के रूप में सेट करना चाहते हो, तो अभी मैं यहाँ स्किप करना चाहता हूँ कि मैं इसे डायलर के रूप में यूज नहीं करूंगा। और अब मैं यहाँ पर लाइव लोकेशन निकालना बता रहा हूँ कि कैसे आप किसी का लाइव लोकेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी नंबर का आपको लाइव लोकेशन निकालना है, या तो आपको उसका नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ डायल पैड देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसको ओपन करें और जिसका भी लोकेशन निकालना चाहते हैं उसका नंबर डायल करें। तो सिंपली आपको यहाँ कॉल का बटन देखने को मिल जाएगा, एक बार कॉल कर देना। जैसे यहाँ पर नंबर या नाम आपको दिखने लगे, जिस भी नंबर का आपको लोकेशन निकालना है उसके सामने एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके एरो पर क्लिक कर देना है। एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो नंबर देखने को मिल जाएगा और नीचे की साइड आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कोलकाता इंडिया और यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको लोकेशन वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कोलकाता का मैप देखने को मिल जाएगा, डायरेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको कोलकाता मिल जाएगा और ऊपर वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर योर लोकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप योर लोकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन करने के लिए बोलेगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ रूट्स फाइंडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह का रिजल्ट लेकर आ जाएगा कि आपके घर से इतना दूरी पर ये नंबर है और आपको यहाँ से कोलकाता जाने में इतना टाइम लगेगा। अब मैं आपको अपने घर के नंबर का लोकेशन निकाल के दिखाता हूं कि क्या दिखाता है और क्या इसकी सच्चाई है। तो अब देखिए, जैसे कि ये मेरे घर का नंबर है, मैं इसके एरो पर क्लिक किया। एरो पर क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको लोकेशन और उत्तर प्रदेश ईस्ट इंडिया देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस लोकेशन वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोकेशन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ गोरखपुर का लोकेशन दिखाने लगा और सिंपली आपको डायरेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे घर का नंबर 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, जो कि एकदम फेक है। और ये नंबर अभी प्रेजेंट टाइम पर मेरे पास है और यहाँ पर लोकेशन चेक करने पर 295 किलोमीटर दूर बता रहा है। अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपको 5 घंटे 56 मिनट लगेंगे, जो नंबर मेरे पास है और उसका लोकेशन इतना दूर बता रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप तो ये समझ ही गए होंगे कि ट्रू कॉलर हमें कितनी अच्छी सी लोकेशन बता रहा है। इस तरह का वीडियो YouTube पर बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, जो आप पोपट बना रहे हैं और आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो से दूर रहें। किसी का भी लोकेशन उसके नंबर से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये इलीगल है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।